नमस्कार दोस्तों, ईडी अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के सत्र 21 से 24 के संदर्भ में के विषय में कि जो परीक्षा फॉर्म अभी LNMU द्वारा जारी किया गया उसमें उसको भरते समय स्टूडेंट्स को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि किसी का फोटो गायब है या किसी का सिग्नेचर गायब है, किसी के आधार नंबर में गलती है, लगातार जीरो आ जाना, या किसी का कैटेगरी जो है सो गलत है। तो इसके रिगार्डिंग क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। जब हमने परीक्षा नियंत्रक महोदय से इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल ग्लिच के वजह से ऐसा बार बार आ रहा है। छात्र जो फॉर्म भर दिए हैं वो परेशान ना हों, वो बस वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहें, उनका फॉर्म खुद ब खुद सुधार हो जाएगा, उसे दोबारा भरने की भी जरूरत नहीं है। और अगर आपका पेमेंट फंस गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग 72 घंटे इंतजार कीजिए, पेमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। हमने उनसे एक विषय पर चर्चा और की कि जो छात्र का लॉगिन नहीं हो पा रहा है या जो कह रहे हैं कि जिनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि वो लोग वेट करेंगे, अभी साइट पे डेटा चढ़ रहा है, क्योंकि कुछ ऑफलाइन परीक्षार्थी भी थे जिन्होंने फॉर्म ऑफलाइन भरा था, उनके कारण ये डेटा में थोड़ी समस्या आ रही है। आप लोग चिंता नहीं करेंगे, 24 से 48 घंटे के बीच विश्वविद्यालय डेटा सेंटर द्वारा समस्या का निदान हो जाएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और आप लोग वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी है और बिहार में चल रहे जितने प्रतियोगिक परीक्षा या कोई भी परीक्षा से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।